हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय लास्ट व्लॉग बिकॉज मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। आप भी सोच रहे होंगे कि पहली वीडियो में फ़र्स्ट व्लॉग और दूसरी वीडियो में लास्ट व्लॉग, बस यार करना पड़ा मुझे, कुदरत को शायद यही मंजूर था। सोचा था कराची जाऊंगा, व्लॉगिंग चैनल शुरू करूंगा, वीडियो वगैरह बना के डालूंगा अच्छी सी, लेकिन चार दिन हो गए इधर होटल से निकला ही नहीं जा रहा। मैंने क्या निकलना, वो आ ही नहीं रहा, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, पहली मरतबा इधर आया हूँ, तो चार दिन हो गए इधर ही कैद हूँ। रात को लेटा हूँ, दिन को लेटा हूँ, सो रहा हूँ, बस यही रूटीन बनी हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो यार वापसी का प्लान करते हैं, इधर रुक के क्या करना, बाहर तो निकला नहीं जा रहा, किसी एक जगह भी नहीं गया मैं। तो आज मैं वापस जा रहा हूँ, देखता हूँ जाके टिकट करवाता हूँ कौन सी ट्रेन मिलती है और किस टाइम की मिलती है। नहीं तो नाजरीन, होटल से निकल चुका हूँ नहा धो के, तो देखता हूँ जाके क्या सीन है, टिकट करवाता हूँ जाके, बस दुआ कर रहा हूँ कि रश ना हो, अगर रश हुआ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, भूख भी लगी है, खाना शाना भी खाना है, तो देखता हूँ पहले टिकट का क्या सीन है, उसके बाद खाने का भी करते हैं कुछ। मैंने पूछ लिया बंदे से, वो कह रहा थोड़ा सा आगे जाके टिकट हाउस है, उधर से जाके करवा लो, तो अभी जा रहा हूँ। लें तो पहुँच गया इधर, देखता हूँ अंदर जाके क्या सीन है, बस भीड़ नहीं होनी चाहिए, बाकी खैर। अरे बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से मुझे, तो चलें लाइन में लगता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं। ये जा रहा हूँ सामने दफ्तर मालूमात, इधर से पता करते हैं। अरे यार मुश्किल से बारी आई थी, तो अभी उसने दूसरी जगह भेज दिया, कह रहा है कि इधर से नहीं मिलेगी, फैसलाबाद की सीटें बुक हैं, तो आगे ऐसे पता करो। टिकट के चक्कर में तो ख्वार हो गया यार मैं तो, बहरहाल शुक्र है करवा ली है, तो अभी फिल वक्त कोई भी नहीं जा रही ट्रेन, फैसलाबाद के लिए निकल चुकी हैं सारी, सुबह फर्स्ट टाइम की करवाई है 6 बजे, तो फिर 6 बजे निकलते हैं। अभी खाने का देखते हैं, भूख काफ़ी लग रही है, देखते हैं क्या सीन है खाने का। ये देखें ये क्या है, खाने का देखते हैं क्या सीन है, रात को तो मैंने उधर से खाया था, अभी देखता हूँ किधर से खाता हूँ, तो देखता हूँ क्या खाता हूँ, बताऊँगा दिखाऊँगा आपको। वैसे तो मैं पराठा लाइक नहीं करता, बट कराची का पराठा अच्छा है, चलिए ट्राई करते हैं किसी शॉप का। ये रहा बैग, सामान वगैरह मैंने डाल लिया अंदर, तो उठाता हूँ अब। बैग कंधे पे उठा लिया है, स्टेशन पहुँच चुका हूँ, तो देखता हूँ जाके किधर खड़ी है हमारी गाड़ी जिस पे हमने जाना है। ट्रेन जी इंटर हो रहा हूँ, मुसाफिर खाना लर्ज, सारे वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं इधर। वो सामने अभी थोड़ा दूर है, तो पैदल चल रहा हूँ, तेज़ तेज़ लेके चलता हूँ आपको। अभी ट्रेन आई नहीं है, इतना ज़्यादा रश है, ट्रेन आने के बाद क्या हुआ। नहीं तो आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद ट्रेन ट्रैक पर आ चुकी है, रुकती है तो फिर देखते हैं। जाने वाले मुसाफिरों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने साथ एक्स्ट्रा बॉक्सेस यानी कि ये कोचिज वगैरह ऐड किए हैं, डब्बे वगैरह, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पीछे को जा रही है। चलते हैं हम भी देखते हैं यार, जा रहा हूँ मैं भी ताकि अपनी सीट देखूँ। काफ़ी देर प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करने के बाद अब चल पड़ी है।
नीचे देखे बंदे और बंदियां सेल्फी ले रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ट्रैक लगा हुआ है, काफ़ी देर से मैं देखता आ रहा हूँ, सारे चल रहे हैं लेकिन ये एक बंदा आ रहा है। हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं, मैं सोया पड़ा था, मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे भूख भी लगी थी, कुछ खाना था, लेकिन जब उठा तो हैदराबाद क्रॉस कर चुके थे। अगले स्टेशन पर देखते हैं, इधर स्टे भी था 25 मिनट का, लेकिन पता ही नहीं लगा, उधर देखते हैं कितना स्टे है, फिर कुछ करते हैं। इधर 5 मिनट का स्टे था लेकिन दूर दूर कोई भी चीज़ खाने की नज़र आ नहीं रही, उतर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, सुबह हो गई है, 2 घंटों में पहुंच जाना है, नींद वगैरह मैंने पूरी कर ली है, सो गया था, अभी उठा। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, चलते हैं घर, फिर नहाते हैं, धोते हैं, फिर क्लोज करते हैं हम लोग। दोस्तों बस 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूं, तो इधर ही क्लोज करते हैं फिर। तो मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगा, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा हार्ट हुआ ना उतर जाके, ये मुझे पता बस। बाकी मैंने स्टेटस लगाया था कि इट इज़ माई लास्ट व्लॉग, माई लास्ट व्लॉग इज़ कमिंग सून, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 60 से 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूछा कि क्या मसला बना यार, पहला व्लॉग तुम्हारा अच्छा था, तो क्यों हिम्मत क्यों हार गई हो, ये वो ऐसे वैसे, यानी कि मोटिवेट मुझे किया कि ना छोड़ना, ठीक है, बनाते रहो। तो अब तो ये है कि ये 2 व्लॉगों पे ही है।